थोड़े लैके आए हुए हैं एक नवी वीडियो जो कि वैल का स्पेलना प्रोडक्ट हैगा आ मोदी के दा सप्लीमेंट फूड। तो अज असी डेमोस्ट्रेशन करके थोड़ा दिखावे और पहले मैं थोड़ा ये बारे थोड़े जानकारी दे दवा कि आप जो प्रोडक्ट है की बेनीफिट दिता है। ठीक है, सो जिस तरह कि ये बॉक्स के 100 कैप्सूल होंगे है स्पेलना स्पेलना अगर आप गल करिए सुपरफूड भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्पेलना यानी कि जोड़ा कछूकामा हों ना वो जो कि सर्च की वो जी एज वा वो मतलब कि 500 साल के करीब होंगी हैगी। साइंटिस्ट ने सर्च की भी वो एज इन्नी क्यों होंगी हैगी जो देखा गया भी जो भी वो कि चीज़ खाता है। तो जो मतलब कि साइंटिस्ट ने देखा भी वो जो भी समुद्र तल के थले जाता है वो काई खाता है। ठीक है, स्पेलना आप कहने तो फिर इनू मोदी के ने स्पेलना वधिया साढ़े लिए मतलब कि तैयार करके साढ़े मतलब कि ना मतलब कि ये की होंगे जो आयरन हो गई। ठीक है, प्रोटीन हो गया तो ये वो वाला प्रोटीन है जो सा डाइजेस्ट बड़े बड़े तरीके होता जिदा हम असं आम प्रोटीन लेंगे है मार्केट तो। ठीक है, जिदा वे प्रोटीन हो गया जो सोया प्रोटीन हो गया कई वे की होंगे कि साडा लीवर मान लो किसी कारण सही तरह काम नहीं करता है वो डाइजेस्ट नहीं होंगे है। स्पेलना इन्ना क वधिया प्रोटीन है अगर तो अपना लीवर बिल्कुल सही भी नहीं है। ठीक है, पाचन शक्ति साड़ी सही नहीं हैगी तां ही हजम हो जाता है। ठीक है जी, सब तो हल्का प्रोटीन है और सब तो वधिया प्रोटीन है ये। सो आओ अज आप डेमो देखते हैं भी जिहड़ा ये प्रोटीन आ। ठीक है, तो ये साडे मिनरल्स ये किदा मिलते हैं ये स्पेलन में आपको मिनरल्स मिलते हैं आयरन मिलता है प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो ये जी यूज वा वो भी आप देना थोड़ी किदा करनी हैगी। एक गोली खाना खाने तो बाद सवेरे लैना होंगे कैप्सूल एक शाम को, बाकी जिस तरह थानू कोई भी देख जाना वो आप सलाह लै सकते हैं पर बॉक्स के उपर इस तरह लिखा हुआ है। सो आओ हम आप डेमोस्ट्रेशन करते हैं। सो आओ आप हम डेमो करते हैं जी। सो डेमो करने तो पहले मैं थोड़ा एक वार्निंग देना चाहता हाँ कि जोड़ा भी मैं डेमो करता पाया मैं ये उपर प्रैक्टिस बहुत की हुई हैगी। सो इस डेमो में असी घर नहीं करना है किसी ने भी। ठीक है, बच्चे ने तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी के नाल डेमो कर लगा है। तो 230 वोल्ट का करंट है ये, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई कॉपी करके किसी को करंट लगा लगे। सो दोस्तों मेरे को दो गिलास है गया। एक मैं डायरैक्ट बोर का पानी लिया हुआ। ठीक है, नल का पानी तो एक मेरे को आर ओ का पानी है फिल्टर का पानी है। ठीक है, रिवर्स ओसमोसिस। सो जिस तरह आप देखिए होना कि आपां आम घर आप नॉर्मल फिल्टर लगे हुए। ठीक है, आप उही पानी यूज करते हैं। ठीक है, तो उहदे नाल ही ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होंगी है। ठीक है, सो आओ आप पहले पानी चेक करते हैं ये पिछों देखते हैं भी जो नल वाला पानी आ वो कि। सो तुसी देख सकते हैं भी ए इस पानी में मैं वायर दूर दूर की हुई हाँ और बल्ब हल्का हल्का जो जगता पे है। सो ये हम आर ओ का पानी है ये बल्ब बिल्कुल नहीं जगता पाया। ठीक है, तो हूँ मैं आर ओ के पानी में पहले मैं थोड़ी एक गल क्लीयर कर दवा कि जोड़ा नल का पानी और बल्ब तो जगता पाया क्योंकि ये मिनरल्स है जो बॉडी में चाहिए होंगे है। पर जो हों कि जो अभी फिल्टर वगैरह लगा लगाने हैं जोड़े आर ओ मिनरल्स इलावा आते हैं कई घर में मिनरल्स बगैर आर ओ लगे होंगे है उन्होंने आप मिनरल्स नहीं मिलते जिन्हें सूँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, बॉडी वीकनेस रही हैगी। ठीक है, सो सप्लीमेंट उत्थे आपां लैणे जरूरी हो गया अज्ज दे समें दे विच क्योंकि पहले समय के आर ओ नहीं होंदे सी पानी गर्म करके आपां लै लैंदे सीगे। सो मैं आर ओ दे पानी विच एक कैप्सूल पाउण लगा खोल के पर आपां इहनूं इद्दी खाणा हुंदा हैगा आ। मैं एक स्पेलना दा जिहड़ा कैप्सूल वा एक कैप्सूल आपां सवेरे लैणा हुंदा है खाणा खाण तों बाद जिस तरह मैं तुहानूं पहले दस्सिया ही आ और एक आपां शाम को लेना होंगे है। सो आओ इन हूँ मैं हिलाना है ये मैं स्पेलना पाया ये नॉर्मल पानी है आप एक कैप्सूल स्पेलना पा के। ठीक है जी, सो हम आप देखते हैं कि स्पेलना के पाया भी किस तरह काम करता है। ठीक है जी, सो आई थिंक थोड़ा नज़र आ रहा होगा कि बल्ब जोड़ा आ वो जगता पाया है जिस तरह के ये वाले पानी में भी जगता है
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿਨਰਲਸ ਸਪੈਲਰ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲਬ ਜਗ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਪੈਲੋਨਾ ਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਲੋਨਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਕੈਪਸੂਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ਤਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਾ ਦਿਓ ਸੋ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੈਪਸੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੈਰੋਲੀਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਦੋ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਲਾ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਰੋਲੀਨਾ ਪਾਊਡਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਰੋਲੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਰੋਲੀਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੈਮੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਡੈਮੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਡੈਮੋ ਸਪੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਰੋਲੀਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਰੋਲੀਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਉਹ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਪੈਰੋਲੀਨਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਫੂਡ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਰੋਲੀਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਮਿਲੂਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਸਪੈਰੋਲੀਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੈਰੋਲੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।